हिंदू विवाह की कौन कौन सी शर्तें हैं। तो सेक्शन 5 हिंदू विवाह अधिनियम, एक एक्ट बना हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम, एक ही एक्ट है जो 55 का है, बाकी सारे 56 के, बस इतना सा ध्यान रखना। विवाह थोड़ा पहले हो गया ना, तो एक साल पहले विवाह वाले कानून पहले बना दिए 1955 में, बाकी उत्तराधिकार का हो चाहे भरण पोषण का हो चाहे संरक्षकता का हो चाहे कोई भी हो वार्ड प्रतिपाल हो, सब 1956 के है। ये 1955 का है हिंदू विवाह अधिनियम में एक धारा बताई गई है सेक्शन 5 धारा 5। अब अगर इस धारा से थोड़ी पहले की चर्चा अगर अपन करें, इस धारा से पहले की बात, तो उनमें देखिए आप धारा से पहले की बात, हिंदू विधि में विवाह को एक संस्कार माना गया है, यानी ये क्या है, संस्कार है। संसार में जितने भी विवाह हैं उन सब में अगर कोई आदर्शीकृत कोई शुद्ध कोई तरीका अगर विवाह का माना जाता तो वो हिंदुओं में माना जाता है। हिंदुओं में ऋग्वेद की बात करें चाहे वेदों की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो अलग अलग प्रकार से हमारे यहाँ विवाह हुआ करते थे। पहले तो काफी प्रकार 8-9 प्रकार के विवाह थे धर्म ग्रंथों के अनुसार, लेकिन वो उस समय के अनुसार थे, अब वो विवाह नहीं रहे। अब केवल हमें विवाह करना पड़ेगा वो सेक्शन 5 के अनुसार ही करना पड़ेगा। अगर सेक्शन 5 में बताई गई शर्तों का हम उल्लंघन करते हैं, हम उनके विपरीत करते हैं, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, विवाह है या तो शून्य हो जाएगा या शून्य करणीय हो जाएगा। लेकिन जहां कस्टम्स है, जहां कस्टम्स वगैरह है, तो वहां आपको पहले बताया जा चुका है कि वहां जो हिंदू लो है वो प्रभावी नहीं होता, यानी जहां प्रथाएं रूढ़ी प्रभावी है वहां पर हिंदू विधियां प्रभावी नहीं होती। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में कुछ शर्तें बताई गई है, उन शर्तों को ही अपन देखेंगे, बाकी तो कहानी आप अपने पढ़ लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्तों में क्या बताया गया, सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस बताई गई है जिन पर मैं बताना चाहूंगा कि दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुस्थापित किया जा सकता है। दो हिंदुओं के बीच यानी हिंदू विवाह तो हिंदू ही होने चाहिए, पक्षकार कैसे होने चाहिए, हिंदू तो दो पक्षकार होंगे, विवाह के लिए दो पक्षकार चाहिए ना। दो पक्षकारों के लिए क्या होगा, दो पक्षकार जो हिंदू है उनके बीच जो विवाह अनुस्थापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती है। उनके बीच में विवाह क्या किया जा सकेगा, अनुस्थापित किया जा सकेगा यदि यदि निम्न शर्तें पूरी हो जाती है। कौन सी, जो सेक्शन 5 में शर्तें बताई गई है वो, अगर ये शर्तें पूरी हो जाती है तो किसी भी दो हिंदुओं के बीच में क्या किया जा सकता है, विवाह का अनुष्ठान किया जा सकता है। ठीक है, अब कौन कौन सी शर्तें हैं मैं यहाँ शर्तें बताता हूँ आपको, इन शर्तों पर थोड़ा ध्यान देना। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से, जब विवाह हो रहा है उस समय, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से क्या नहीं होना चाहिए, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो, ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना ही वधू का कोई जीवित पति हो। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए क्या है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार, ये सब विवाह के समय की बात करें, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कौन से, दोनों पक्षकार कौन से, दो पक्षकार कौन कौन होंगे, दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार क्या नहीं होना चाहिए। दो पक्षकार कौन से, एक तो वर है और एक वधू है, विवाह के दो ही पक्षकार होंगे, वर होगा और वधू होगी, तो विवाह के समय इन दोनों यानी वर और वधू में से कोई भी पक्षकार क्या नहीं होना चाहिए, चित्त विकृत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पहली बात चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप, चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप, चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति यानी कंसेंट या सहमति जिसको कहते हैं, सम्मति देने में असमर्थ ना हो, सम्मति देने में
असमर्थ ना हो। हाँ ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन तो ये हो चुका है। एक दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे लग रहा है, क्योंकि जो मेरे मन में चलता है ना, कभी कभी ऐसे चलता है ना कि ये वाला प्रश्न आ सकता है, आ सकता है, और वही प्रश्न आ जाता है। तो आप इसको भी देख लें, ऐसे मन में आ रहा है कि क्या पता ये आ ही जाए आपके प्रश्न। तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के जो बारे में सेक्शन 9 है हिंदू विवाह अधिनियम का, धारा 9, उसमें दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात की गई है। हालांकि अपने विवाह तो कर लिया है अभी, ये विवाह तो अपना हो चुका है सेक्शन 5 के अनुसार। अब अगर विवाह के बाद पक्षकार एक साथ नहीं रहते हैं किसी भी कारण से, और वो दोनों अलग अलग रहते हैं, और उन दोनों में से पक्षकार कोई एक ये चाहता है कि वो उसके साथ रहे, पति चाहता है कि पत्नी उसके साथ रहे, या पत्नी चाहती है कि पति उसके साथ रहे, अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को बिना युक्ति युक्त कारण के अगर छोड़ देता है, त्याग देता है, अभित्याग कर देता है, तो दूसरे पक्षकार के पास ये विकल्प है कि वो न्यायालय में सेक्शन 9 के तहत अपनी याचिका पिटीशन डाल करके क्या कर सकता है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का आवेदन पेश करके अपने अधिकारों को मांग सकता है, यानी न्यायालय से मांग कर सकता है कि उसके जो दाम्पत्य अधिकार हैं, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। अब इस चीज को है ना अपन शॉर्ट में समझना, आपको सब समझ में आएगा, बाकी तो लिखा हुआ सब कुछ है किताबों में सेक्शन 9। क्योंकि अगर पूरे क्लास, हालांकि मैंने हिंदू लो जब स्टार्टिंग में पढ़ाया है आपसे लगभग 2 महीने पहले, लगभग ये कंप्लीट हो चुका था, जिसने किया है उसको तो पता है कि एक एक क्वेश्चन को बड़े इत्मीनान से, शानदार तरीके से, पूरा डिटेल से पढ़ाया हिंदू लो। लेकिन अब वो समय नहीं है कि हम एक क्लास को 1 घंटा या 2 दिन चला सकें, ऐसा नहीं है। अब हमें चीजों को समझना है, बेसिक चीजें अगर आप समझ जाते हो, क्वेश्चन आपको पकड़ लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यानी विवाह हो चुका, विवाह होने के बाद एक दूसरे के प्रति अधिकारों का जन्म होता है, एक दूसरे के प्रति अधिकारों का क्या होता है, जन्म होता है। पति के कुछ राइट्स पत्नी के प्रति होते हैं, और कुछ पत्नी पति के प्रति अधिकारों की मांग करती है, यानी एक दूसरे के कुछ अधिकार जुड़ जाते हैं। ऐसे ही विवाह हुआ, और विवाह के पक्षकार पति और पत्नी, इन दोनों ने क्या किया, या पति को मान लेते हैं बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अपनी पत्नी को छोड़ देता है, क्या कर देता है, छोड़ देता है, अपने साथ नहीं रखता, या इसके सार संभाल नहीं करता, या इसके साथ इस स्थिति में ला देता है कि इसे घर छोड़ने को मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे ही अगर पत्नी ने पति के साथ ऐसा ही कर दिया कि पत्नी पति को छोड़ दिया, या अपने मायके जाके बैठ गई, या कोई भी परिस्थिति, या अलग रहने लगी बिना किसी युक्ति युक्त कारण के, ऐसा अलग रहना होगा कैसे, अलग होने का मतलब बिना युक्ति युक्त कारण के होना चाहिए, अगर कोई रीजनेबल कोई ग्राउंड्स है तब तो हो सकता है अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अगर पति या पत्नी अलग रह रहे हैं, तो दूसरा पक्षकार जो पीड़ित है वो क्या कर सकता है, दूसरे पक्षकार के विरुद्ध सेक्शन 9 के तहत याचिका दायर कर सकता है, और न्यायालय से ये मांग कर सकता है कि उसके दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की जाए, यानी जैसे विवाह के समय हमारे राइट्स थे, उन्हीं विवाह के अधिकारों को वापस क्या किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि छोड़ के चला गया तो हमारे अधिकार अलग हो गए, अब वापस क्या किया जाए, उनका प्रत्यास्थापन किया जाए, यानी जैसे हम पहले थे वैसी स्थिति में हमको लाया जाए, वैसी स्थिति में हमको लाया जाए, यानी पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए बाध्य करना। अगर पत्नी छोड़ जाती है तो पति उसको बाध्य कर सकता है कि वो उसके साथ रहे, क्योंकि उसका जो वैवाहिक अधिकार है उसकी वो पालना करना पत्नी का कर्तव्य है। ऐसे ही अगर पति छोड़ जाता है तो पत्नी इसको बाध्य कर सकती है कि वो उसके साथ रहे और वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना करे। तो इसमें कुछ सेक्शन 9 में बताया गया है कि किन किन ग्राउंड्स के आधार पर कौन से वो युक्तियुक्त कारण है जब वो पत्नी अगर छोड़ जाती है तो विवाह की मांग पुनर्स्थापन की याचिका दायर कर सकती है। दाम्पत्य अधिकारों की जो पुनर्स्थापना है उसमें कुछ टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन किया जाना, यानी इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो पुनर्स्थापन पढ़ेंगे, यानी पहले वाली स्थिति में उनको लाया जाना, दूसरा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के आवश्यक तत्व, ये जो पुनर्स्थापना है इसके आवश्यक तत्व क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है जो इसमें होना चाहिए, तीसरा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का महत्व क्या है,
भाई इसका महत्व क्या है, वापस पुनर्स्थापन करने का, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना का महत्व क्या, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, और नेक्स्ट दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के प्रावधान की संवैधानिकता क्या है, यानी ये जो दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन किया जाता है सेक्शन 9 के तहत, ये संवैधानिक कितना है, संवैधानिकता इसकी क्या है, इसके बारे में कुछ टॉपिक्स के जरिए यहाँ बताया गया है। सेक्शन 9 में पहली बात मैं आपको जो लॉ की लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेन जो चीज है ना वो यही है, सेक्शन 9 है वो यही है। किताबों में और सीरीज में तो अनावश्यक बातें बहुत ज्यादा है, वो अनावश्यक बातें तो आपको कब काम आएगी, जब आप क्वेश्चन को बड़ा करेंगे, डिटेल से करेंगे तब, पर जरूरी बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 9 की लैंग्वेज क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 9 ये कहता है कि जबकि पति या पत्नी ने, मैं यहां बता भी देता हूँ, लिख भी देता हूँ, जबकि पति या पत्नी ने क्या कर दिया, पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के साहचर्य से क्या कर लिया, किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना, किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याहत कर लिया है। तो तब व्यथित पक्षकार, जो पीड़ित है वो व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए कहां लगाएगा आवेदन, जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि इसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगा। ठीक है, क्या कहता है कि दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए कि जब कि पति या पत्नी ने अपने को एक दूसरे के साहचर्य, यानी पति या पत्नी ने, दोनों ने अपने को, या तो पति कर ले पत्नी से अलग हो जाए या पत्नी पति से अलग हो जाए, अपने को एक दूसरे के साहचर्य से, साहचर्य का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से, अपने जो दाम्पत्य संबंध है, पति पत्नी के जो रिलेशन है, उनसे अलग कर लिया है किसी युक्ति प्रति हेतु के बिना, कोई ऐसा कारण नहीं है जो युक्ति, तो इसके बिना अपने को एक दूसरे के दाम्पत्य अधिकारों से अलग कर लिया है, प्रत्याहत कर लिया है, तब व्यथित पक्षकार, अगर ऐसा पत्नी करती है बिना युक्ति कारण के पति को छोड़ देती है या पति से अलग हो जाती है, तो पति पीड़ित पक्ष हो जाएगा, अगर पति छोड़ देता है पत्नी को तो फिर पत्नी पीड़ित हो जाएगी। तो व्यथित पक्षकार ऐसे दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना के लिए जिला न्यायालय में
जहां पारिवारिक न्यायालय फैमिली कोर्ट जहां है वहां तो पारिवारिक न्यायालय में ऐसी अर्जी दायर की जाएगी, अगर जहां पारिवारिक न्यायालय नहीं है तो वहां जिला न्यायालय तो होंगे, तो उन जिला न्यायालय में क्या किया जाएगा, ऐसी अर्जी दायर की जाएगी। जहां जिला न्यायालय नहीं है, अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अतिरिक्त जिला न्यायालय है, तो वहां भी ऐसी अर्जी दायर की जा सकती है, क्योंकि जिला न्यायालय की पावर्स है वो अतिरिक्त जिला न्यायालय को भी होती है। तो ऐसे में क्या करेगा, अर्जी द्वारा पिटीशन द्वारा आवेदन कर सकेगा पीड़ित पक्षकार, और न्यायालय से ये मांग करेगा ऐसी अर्जी में कि उन कथनों को जो उसने कहा है अर्जी में उनके सत्य के बारे में विश्वास करे, और न्यायालय उसको क्या करे, ऐसे आवेदन को कंजुगल राइट्स के जो आवेदन है इनको मंजूर करे। और न्यायालय का अगर ये समाधान हो जाता है कि ठीक है इसने सही कहा है, दूसरे पास कोई ग्राउंड नहीं था, बिना किसी कारण के छोड़ के चला गया है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसे दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन की डिक्री जारी कर सकता है। यानी न्यायालय आदेश करेगा कि वो दूसरा पक्षकार है वो उसके साथ आके रहे और उसके दाम्पत्य अधिकारों का पालन करे, दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करे, ऐसा करने का आदेश न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि दूसरे पक्षकार को सुनवाई का मौका दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि एक पक्षकार को सुनकर ही कर देगा, सुनवाई का मौका दूसरे पक्षकार को दिया जाएगा और देने के बाद ही ऐसा आदेश किया जाएगा। जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वास्तव में बिना किसी युक्ति कारण के अगर ऐसे छोड़ के गया है, तो ही ऐसे दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना की जाएगी। जहां छोड़ने वाला खुद छोड़ के जाता है फिर न्यायालय में एप्लीकेशन लगाता है, तो वो ऐसे अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। अब इसमें ये सारा परिस्थितियों पे डिपेंड करने वाला है कि कब युक्तियुक्त कारण है, कब नहीं है, किसको युक्तियुक्त कारण माने, किसको नहीं माने, ये हर मामले की परिस्थितियों पर, हर मामले के तथ्यों पर डिपेंड करता है कि कौन सा कारण सही है और कौन सा नहीं है। एक केस में ये कहा गया कि एक लड़का था, उसकी शादी हो गई और शादी के बाद वो पढ़ने के लिए कहाँ चला गया, 2 वर्ष के लिए ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ चला गया। ठीक है, अब पत्नी को कह के गया था कि मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, 2 साल मुझे लगेंगे और मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर आता हूँ फिर यहाँ आ जाऊंगा। पत्नी भी सहमति की, जाओ साहब ग्रेजुएशन। अब पीछे से क्या कहती है कि पति मेरे को छोड़ के चला गया, पति मेरे को छोड़ के चला गया और शादी के बाद चंडीगढ़ जाके बैठ गया और मेरे दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रहा है, इसलिए क्या करे, वो यहाँ आए और इनका निर्वहन करे दाम्पत्य अधिकारों का। तो शादी के बाद वो चंडीगढ़ चला गया अपने ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए, पत्नी को कह के गया था और पीछे से पत्नी क्या करती है, पत्नी कहती है कि ये मेरे को बिना किसी कारण के छोड़ के चला गया, इसलिए मेरे दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रहा, इसलिए इसको दाम्पत्य अधिकारों को निर्वहन करने के लिए इसको बाध्य किया जाए कि वो मेरे साथ आके रहे। ये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है, ये तो युक्तियुक्त कारण के साथ गया था, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के छोड़ के नहीं गया, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ ग्राउंड्स होंगे दिया गया है कि जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या साहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्तियुक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। यानी यह साबित करने का भार उस पर होगा जिसने ऐसे साहचर्य से क्या किया है, अपने आप को प्रत्याहत किया है, वो साबित करेगा कि उसने ऐसा किया है या उसने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो ये दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना का आपके है। अब बेसिक सी बातें उसमें मैं बता देता हूँ कि दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन सेक्शन 9 ये कहता है कि जब पति या पत्नी में से किसी ने भी बिना युक्तियुक्त कारण के अपने को एक दूसरे के साहचर्य से हटा लिया है, तो पीड़ित पक्षकार जिला न्यायालय में आवेदन के द्वारा ऐसे मांग कर सकता है कि उसके दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की जाए। न्यायालय का समाधान हो जाता है तो न्यायालय इसी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिक्री जारी कर देता है। क्या क्या चीजें इसमें आवश्यक तत्व होना चाहिए, तो आवश्यक तत्वों के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है। एक तो पहली बात, बिना युक्तियुक्त कारण के होना चाहिए, यानी अभित्याग किया गया, छोड़ के गया, वो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के गया है तो ही इसकी मांग की जा सकती है सेक्शन 9 के तहत। अगर युक्तियुक्त कारण से छोड़ के गया तो ये सेक्शन 9 की मांग नहीं कर सकता और ना ही न्यायालय ऐसी डिक्री जारी करेगा। दूसरा, ऐसी याचिका हमेशा जिला न्यायालय में ही दायर की जाएगी, अधीनस्थ न्यायालय में दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि जिला न्यायालय को ही ऐसे मामले सुनने की अधिकारिता है। जिला न्यायालय नहीं है पारिवारिक न्यायालय तो भी मामले को सुना जा सकता है। तीसरी बात, ऐसा न्यायालय याचिका में किए गए कथनों की सत्यता से संतुष्ट हो और खारिज करने का कोई कारण नहीं हो।
तीसरी बात, अगर जिस याचिका उसने प्रत्यर्थी ने डाली है, प्रार्थी ने, उसकी याचिका में सही बातें लिखी गई है, सत्य बात है और न्यायालय को उसका खारिज करने का कोई कारण नहीं लगता है, न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इसने सही ग्राउंड्स लिए हैं, तो वह ऐसे प्रत्यास्थापन की डिग्री जारी कर सकता है, अन्यथा प्रत्यास्थापन की डिग्री जारी नहीं की जाएगी। तीन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है, बिना युक्ति युक्त कारण के होना चाहिए। जैसे केस में कहा गया जगदीश वर्सेस श्यामा के मामले में कि पति की नपुंसकता के कारण पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, न्यायालय ने इसे छोड़कर जाने का युक्ति कारण माना। भाई पत्नी नपुंसक था और पत्नी छोड़कर चली गई, वहां क्या करेगी? और फिर उस उसके पति ने एप्लीकेशन लगाई सेक्शन 9 की कि वो मेरे साथ आकर निवास करे, मेरे दाम्पत्य अधिकारों का वो पालन करे, दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन करे। कोर्ट ने कहा कि वो युक्ति कारण था उसके पास, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स था कि वो जब नपुंसक है तो वो वहां रह नहीं सकती, वो छोड़ के ही जाएगी, तो कोर्ट ने ऐसे प्रत्यास्थापन की डिग्री जारी नहीं की क्योंकि वो युक्ति कारण के साथ छोड़ के गई थी, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, मलनी वर्सेस राधाकृष्ण के मामले में पति ने अपनी पत्नी को यह निर्देश दिए कि वह गांव में रहकर माता पिता की सेवा करे, पत्नी पति को छोड़कर चली गई, वह अलग रहने लगी। पति ने यह कहा कि तू गांव में रह, माँ बाप की सेवा कर, और ये निर्देश देके चला गया। पत्नी पीछे से क्या किया, पति को छोड़ के ही चली गई कि तू गांव में तू रहना, मैं यहां नहीं रहती, छोड़कर चली गई। पत्नी का कहना था कि यदि पति उसे अपने साथ शहर में रखने को तैयार है तो वह उसके साथ रह सकती है। न्यायालय ने पत्नी के कारण को उचित पाया और पति के दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई तू अगर उसको साथ रखना चाहता है शहर में तब तो ठीक है, नहीं तो गांव में ये नहीं रह सकती, तो नहीं रहेगी। इसका छोड़ने का कारण वो युक्तियुक्त माना गया, इसलिए पति पत्नी को बाध्य नहीं कर सकता कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री जारी करवा ले। कोर्ट ने इसे युक्तियुक्त कारण माना। ऐसे ही क्रूरता के मामले में जहां रोज पिटाई की जाती है पत्नी की और पत्नी तंग आकर के छोड़ के ही जाएगी, फिर वो कहता है पति एप्लीकेशन लगाता है सेक्शन 9 में कि वो उसे बिना किसी कारण के छोड़ के चलेगी, मेरे साथ आके निवास करे, तो कोर्ट ऐसे क्रूरता के आधार पर उसको युक्तियुक्त कारण मान सकता, उसे बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी ग्राउंड्स है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। न्यायालय में होगी, जिला न्यायालय में संतुष्टि का मतलब है कोर्ट का समाधान हो जाना चाहिए कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, तमाम साक्ष्य ली गई और साक्ष्य लेने के बाद ऐसा लगा न्यायालय को कि हाँ ये युक्तियुक्त कारण के बिना गई है, तब तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री जारी करेगा। अगर ये लगता है कि ये वास्तव में इसको छोड़ के जाना इसका जायज है, ठीक है, तो न्यायालय ऐसे प्रत्यास्थापन की डिग्री को खारिज कर देगा। दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की कार्रवाई का महत्व क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, तो वादकालीन भरण पोषण यानी सेक्शन 9 के अधीन याचिका दायर किए जाने के बाद दोनों पक्षकार साधनहीनता के आधार पर दूसरे पक्षकार से जो साधन संपन्न हो वादकालीन भरण पोषण की मांग कर सकता है। अगर किसी ने ऐसी एप्लीकेशन लगा दी है तो दूसरा पक्षकार या पत्नी ये कह सकती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास कमाने के कोई साधन नहीं, इसलिए पति मुझे भरण पोषण दे, तो एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे भरण पोषण का वाद चलाने का उनको अधिकार मिल जाता है। स्थायी भरण पोषण का भी यहाँ पर आदेश किया जा सकता है। विवाह का तथ्य साबित किया जाना आवश्यक होता है कि विवाह हुआ था। न्यायालय की डिग्री को न मानने का परिणाम भी उसे भुगतना पड़ेगा, अगर पालना नहीं करता तो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 रूल 32 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है जिसको आदेश दिया गया उसने पालना नहीं की तब। ठीक है, धारा 9 की संवैधानिकता क्या है। धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन वाले प्रावधान को बहुत से देशों ने हटाना आरंभ कर दिया है। हमारे देश में भी इस प्रावधान की संवैधानिकता को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं धीरे धीरे। टी सरिता और वेंकट सुब्बैया पति पत्नी थे और साथ रहते थे। टी सरिता को नाटकों में काम करने की रुचि थी, वो पत्नी थी, नाटकों में काम करना उसका शौक था। यह बात पति वेंकट सुब्बैया को पसंद नहीं थी, वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी नाटकों में काम करे, इसलिए उसे अच्छा नहीं लगता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर तनाव हो जाता था, झगड़ा हो जाता था। एक दिन पत्नी क्या किया, पति का घर छोड़कर चली गई, रोज रोज के झगड़े से तंग आ करके और अलग रहने लगी। देखते ही देखते ही आंध्र प्रदेश की फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बन गई। जब अलग रहने लगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, इधर पत्नी की तरक्की हुई और वो आंध्र प्रदेश के मेन जो हीरोइनें थी उनमें उसका नाम गिना जाने लगा।
तब पति ने क्या किया, जिला न्यायालय में याचिका दायर की कि ये मेरी पत्नी है और मेरे साथ आकर के रहे, मेरे दंपति अधिकारों का पालन करे। न्यायालय ने पति के पक्ष में डिग्री पारित कर दी। टी सरिता ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इस डिग्री के विरुद्ध अपील की और संवैधानिकता को चुनौती दी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 9 नारी से उसकी एकांतता का अधिकार छीनती है। नारी क्या एकांत नहीं रह सकती, क्या उसको बाध्य किया जा सकता है? तो ये एकांतता का अधिकार छीनती है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहने को विवश करती है जिसके साथ वह रहना नहीं चाहती। अतः न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के विरुद्ध इसे घोषित किया। किसमें? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मामले में। हरविंदर कौर वर्सेज हरमंदर सिंह चौधरी के मामले में भी ऐसा हुआ कि मतभेदों को दूर करने में सहायक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस धारा को संवैधानिक माना। वहां कहा गया कि ये जो है एक दूसरे को वापस मिलाने के लिए इसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार के मामले में दोनों प्रकरणों का पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने हरविंदर कौर हरमंदर सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के दिए गए विचारों को मान्यता प्रदान की कि वास्तव में ये क्या, ये दोनों को मिलाने का काम करने वाली, इसलिए ये वैलिड है, संवैधानिक है। तथा कहा कि दंपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री पति पत्नी को साथ साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है और विवाह को टूटने से बचाती है। कोर्ट ने कहा कि दंपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वाला प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 या 21 के खिलाफ नहीं है और ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो अगर इतना आप कर लेते हो इस दंपत्य अधिकारों की प्रस्तावना वाले क्वेश्चन में तो आपका बढ़िया तरीके से काम चल जाएगा। बाकी बातें आप सीरीज में जो भी संस्कारिक बातें हैं, जो भी व्यवहारिक बातें हैं, वो वहां भी लिखी हुई मिलेगी। एक बार रिविजन कर लेते हो तो आपका काम बढ़िया चलेगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन है वो यहाँ हो जाते हैं। दो, शून्य व शून्य करणीय विवाह में अंतर क्या है? जैसे मैंने पहले बताया था, एक टॉपिक ऐसे भी आ सकता है कि शून्य विवाह शून्य करणीय विवाह में अंतर क्या है। तो शून्य विवाह तो कोई विवाह होता ही नहीं है, वो तो पहले से ही जीरो है, उसको तो विवाह माना ही नहीं जाता। जबकि शून्य विवाह क्या होता है, वैध होता है और विवाह के समान ही माना जाता है। शून्य विवाह में न्यायालय से शून्य घोषित करवाना आवश्यक नहीं है, वो तो पहले से ऑलरेडी शून्य ही है। शून्य करणीय विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करवाना पड़ता है, पक्षकारों के विकल्प पर है। शून्य विवाह के पक्षकारों के कोई अधिकार और दायित्व उत्पन्न नहीं होते, जबकि शून्य करणीय विवाह के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं। शून्य विवाह के पक्षकार विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करवाए बिना दूसरे से विवाह कर लेते हैं। जो विवाह शून्य था वो चाहे तो दूसरा विवाह फिर कर ले, लेकिन शून्य करणीय विवाह में ऐसा नहीं कर सकते, वो दोषी होंगे द्विविवाह के। अगर वो दूसरा विवाह कर लेते हैं तो द्विविवाह के दोषी माने जाएंगे। शून्य विवाह के पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन की मांग नहीं कर सकते। विवाह जब शून्य था तो वो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की बात ही नहीं कर सकते, मांग कर ही नहीं सकते, जबकि शून्य करणीय विवाह में ऐसा पक्षकार कर सकते हैं। शून्य विवाह के पक्षकारों को पति पत्नी की हैसियत ही नहीं मिलती, वो पति पत्नी होते ही नहीं, बनते ही नहीं, जबकि शून्य करणीय विवाह में पक्षकार पति पत्नी की हैसियत उन्हें प्राप्त होती है और वो दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के तहत वो क्या कर सकते हैं, भरण पोषण की भी मांग कर सकते हैं। सेक्शन 125 CRPC से उसके तहत भी भरण पोषण की मांग कर सकते हैं, जबकि शून्य विवाह की जो पत्नी है वो ऐसा कर सकती है, जबकि शून्य विवाह वाले कोई भरण पोषण की मांग नहीं कर सकते। जब उनके अधिकार ही नहीं होंगे तो वो काहे की भरण पोषण की मांग करेंगे। तो ये आपका एक जो विवाह को लेके और जो दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्तावना को लेके जो क्वेश्चन था आपके दो, वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।